तो है कि पहला घर बसंती लाल का, लेकिन मिली कहाँ? ये आदमी ठाड़ है, इनसे पूछो जाए कुछ पूछ। भैया हरा, यह बताओ बसंती लाल का घर कौन सा है? या मैं हूँ बसंती लाल, बताओ क्या बात है? हम एक बात की खासियत तो है कि जहाँ भी जाइया वो आदमी तुमको पहले मिल जाए। हम ढूंढे ढाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार बस आदमी गांव भर घुस जाए सब पता चल जाएगी का कहाँ है को कहाँ है। भैया बतावा तुम्हारा मीटर आए हैं लगे के लाने, मीटर आ लगा हुआ जिनके जिनके लिस्ट में नाम है तुम्हारा। भैया बसंती लाल नाम है, घर कहाँ है तुम्हार? भैया जहाँ बैठू वहाँ मोर घर आए। कौन काका? हाँ साहब, ये जो है तो 300 बिजली मीटर है और मैंने मंगवाए थे 400 मीटर, क्योंकि अपने गांव में 400 घर हैं। हाँ साहब बात तो सही है, अपने गांव मानी 400 घर हैं। हम आपको उन घरों के नाम के लिस्ट दिए दे रहे हैं जिन जिन घरों में मीटर लगने हैं, और जो 100 घर बचेंगे उनके मीटर एक सप्ताह बाद आएंगे। भला साहब यह बतावा जिनके 100 घर बचे हुए हैं उनसे क्या कहे? हम बोल तो रहे हैं हम कि उनसे सीधा सीधा ये कह देना कि एक हफ्ते बाद तुम्हारे घरों में भी मीटर बिजली के लग जाएंगे, लेकिन जैसे अभी लाइट जला रहे हैं वैसे जलाना कानूनन अपराध है। ठीक है, उनसे कह दो कि एक हफ्ते तक आप अंधेरे में रहिए, उसके बाद जब आपके मीटर आ जाएंगे तो आप अपने घर में उजाला कर सकते हैं। अब ऐसा है, इन सब बातें तुम वहीं से जाके कहा, हमसे ना कहू हवा, नहीं तो ससु ही हमारा पार का पार सब खोल रही है। घर मरैया रहते हुआ गाँव मानी बिल्कुल नहीं सुनते, यहाँ समझ लिया काका साहब का को समझावे तेन यही मुँह से कहुआ हुआ थे। हपरी मानी दो चार ठबार बचे हैं अगल बगल, वहाँ पूरे साफ करवा देंगे मुझे लागत। अब देखा ऐसा है, खुद चला तुम मीटर लगवावे, जो कोनो तुमसे कहा है, तुम जैसा कही है वैसे ही मान लेंगे। बकायदा अगर हम कहीबे तो ही हमार हाथ पांव तोड़ के वापसी भेज देंगे, सारे ही मीटर छीन लेंगे। अरे यार तुम लोग बहुत डरते हो, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जब डरते हो तो क्यों बिजली विभाग में तुम भर्ती हुए? साहब यह बतावा बिजली विभाग मानी भर्ती होना मतलब मार खाना है का? गाँव वाले से मार खाना? मार खाने के लिए कौन कह रहा है भाई तुमसे? मार खाने के लिए कौन कह रहा है साहब? ऐसा है हम मीटर लगाने नहीं जा पा रहे हैं। भला अरे ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप मीटर लगाने जाएं। कौन काका एक काम कर बे, जैसा ही कहा थे वैसा ना कर बे, हमें 300 मीटर जो है तो हर घर में लगाए बे, 100 घर बचिए उनके बाद के देखोगे। यह बात तो सही कहा था, कोनो से कुछ ना कहे सिर्फ मीटर लगा के चले आई बे, हुई सकी तो क्या कहा था पैसा भी छाप लेबे। अरे गाँव वालन खातिर झक्का समझे है का कि हमसे ज्यादा बुद्धि है, सारे तत्काल जेई का फोन लगा दें कि जेई साहब यह बताओ मीटर लगवाई पैसा लेता हूँ का? अरे पवन काका जोर जोर से ना बोल, नहीं जेई साहब सुन लेंगे। आता हूँ मुई का पाप का भागीदार बना हुआ था, अब बताओ गाँव वाले से बेचारन से पैसा लेन फिर मैं मीटर लगाने के लाने आया है। कहूँ ना हम 1,000, 2,000, 5,000 लेते हैं, 20-20 रुपया मांग ले बे और कहा है गुटका का हो जाए है। ठीक है भैया तही मांगे माना मांग पाई, सुन रहे हो? हाँ साहब हाँ सुना था सुना था, बतावा जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, ये मीटर उठा के जाओ और जो है तो लगा के आओ, झोले में कितने मीटर भरे हैं? अः ननकू झोला में कितने मीटर आ भरे हैं? आका मोए हिसाब से लगा था 280 या 290 ऐसे कुछ भरे हैं, बाहर गिना जरा कितने हुए। अरे यार सब गुड़ माठा करे आऊ, एक दुई दुई के बाद या तीन या चार या पाँच या छ या सात आठ नौ दस, अब बाहर तो 10 मीटर आ पड़े हैं। तुम तो कहते हो 300 मीटर, कहाँ 300 मीटर? झोले में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितने मीटर भरे हैं, मैं बाहर नहीं पूछ रहा हूँ। साहब का दिमाग की माँ नहीं है का? झोला कुड़ेलन बाहर 10 पवन का बचे हैं तो अंदर 290 मीटर हुई है झोला के अंदर। अब झोला के अंदर 290 मीटर है तो बस फिर 10 ये बाहर पड़े हैं, 290 अंदर है, 300 मीटर हो गए बिजली वाले। अब जाओ गाड़ी खड़ी है इनको भी डाल लो, जाओ जल्दी से लगा के आओ। यही साहब पक्का जान ना जाओ ना जाओ, कितने मीटर है यही बिजली विभाग में सब जगह गाड़ दो, क्या बिजली का बिल हम भरेंगे। जाओ यार पवन काका तुम भी कसम से, जाते हैं साहब उन्हन को ये मीटर उठा के झोला में डाल दे चली वहाँ खड़ूस जई के का कहा था सकल नहीं उपसाथिया मुई का पास मोही से कहा खुद ना करया। आप बुढ़ापे का कुछ लाजो आज रखो कर यार, मर से लाचार आदमी हूँ मैं बैठ सका तू एक जगह या ठार रह सका तू, या नेहुरे वाला काम मुझसे ना हुई नेहुर जाइयो और फिर जहाँ ठाड़ी हो तो मोर कमर के हुक चाहिए जाए का है, माना कर बुढ़ापे की लाज रख ले उठा के धर दे झोला मानी। आ गया आ गया आप पवन काका कसम से कहे इतनी जल्दी बुढ़ा गया, सारे जवान रहे हो मालूम है दुई खंड की छत से कूद जा कर तू मालूम है कि तुम दुई खंड के छत से कूद जाते हो। एक पवन काका यही का कहा थे असली जवानी। हाँ हाँ झोला भर ले झोला भर ले, हुआ मीटर वाला झोला उठा ला काका अभी मुँह से न हुई पाई। अरे यार ननकू तो से न हुई पाया, खाए पिए घर का लागा था, उठा ला जल्दी से हकत नहीं है का तोरे अंदर। अरे यार काका तुम और आज हालत खराब करवा दिया है, उठा ला भैया उठा ला जल्दी से, जल्दी जाना और जल्दी लगा के आना। ऐसा है साहब बहुत देर से होगा तुम्हारा सुना सुना, जल्दी जाना जल्दी आना, चलते लाइन में हम मीटर लगा रहे हैं, खतरा का खतरा है वहाँ पे, आप है तो आदेश दे देते हैं। चला पवन काका तुम साहब से कहे लड़ रहा था जबे नहीं जबे, अरे यार ननकू देखते नहीं आई कैसी कैसी बातें कर रहे थे, चलो साहब आए कहीं देन दो, चलो तुम चलो गाड़ी तो तुम्हें का चलाओ का मुझे थोड़ा चलाओ का, फिर यह झोला पकड़ा मैं गाड़ी चलाऊं, पहले मुझे बाइक तो जान दे। ननकू झोला पकड़ा पकड़ काका।
हाँ पकड़ लीनो, चलता हूँ बैठो। आका तो मोरा इसी तैसी आ करे है, सारा काम वहीं से करवाई लागा था, मीटर भी वहीं से लगवाई और गाड़ी भी वहीं से चलवाई, झोला भी वहीं से उठवाई। लनकू बैठ चला गाड़ी भैया, चली गाँव में मीटर लगावे हर कोनों के। लिस्ट ले है ना, वो लगे कहाँ है लिस्ट, जय साहब से पूछो लिस्ट कहाँ रखी है। जय साहब कहाँ लिस्ट रखे हो, झोले के अंदर है लिस्ट, निकाल लेना। अहू बढ़िया, अब पूरे मीटर पहले मुड़ेलन देखे बाद लिस्ट निकालन। चल तो यार ननकू था घर पाई बे, वहाँ के घर मानी मीटर लगाए बे, चलता गाड़ी बढ़ा। पवन काका चला, दिल्ली के 300 मीटर तो आ ही गए हैं, अब 100 मीटर और आने बाकी है, 100 मीटर और आ जाए तो उसके बाद बिलिंग शुरू करे गाँव की। बसंती यह बताता है आपाए गाँव में मीटर कब ना लागी का। अब बताऊँ पुराने नन्ना, यही कम्प्लेन की तो कि भैया हमारे गाँव में मीटर नहीं लागे आए, तो कहते कि ठीक है मीटर आ जाइए तो लगा दे बे। अब देखा कब तक आवत है, वैसे जब कटिया डार के बिजली जलावत है तो जलावत रहा, का दिक्कत थी। अरे बसंती तू ही कहा बताऊं, मजा नहीं आवत यार, कोनो दिन करंट रंट खा जाइयो तो मैं निपट जाइयो। अब तो सही है पुरान नन्ना। बसंती भैया जगनलाल कैसा है, का बताऊं, ससु बिजली वाले बड़े परेशान करे हैं, मीटर नहीं लगावत यहाँ पाए गाँव मानी बताओ। जगनलाल भैया मैं कम्प्लेन की नो, लेकिन एक दा नहीं की नो, 6-7 बार कम्प्लेन की नो, हमारे गांव में नहीं मीटर नहीं लागे आए, और जो है तो बिजली वाले हमारे गांव में आके हमका परेशान कर रहे थे, आए भैया मीटर लगवावा नहीं तो हम कटिया डार के इतना बिजली जलाइबे। चिट्ठी आई है वापसी, कहा थे भैया जल्दी मीटर तुम्हारे गांव में लाग जाई। ठीक है बसंती भैया, जैसा तुम कहा लाग जा मीटर, तो बढ़िया आराम आ है समझ लिया। इतना मानी गाँव में ससुरी बिजली भी तो नहीं रहती यार, सप्लाई काट दे थे कहा थी। गर्मी बहुत खराब पड़ा थी यार जगनलाल, का बताऊ मैं तुम्हें का रहा ऐसा नहीं पड़ती यार, अब समझ लिया यह बुढ़ापा मानी तो खराब आ है। नन्ना लाग जाई मीटर तुम परेशान ना हुआ, से जगनलाल तक कहाँ आ जाता, आ तू खेते तरफ बैठी हो वहीं और का करियो। पवन काका तुम्हें मालूम है ना पहला घर बसंती लाल का है, मालूम तो है कि पहला घर बसंती लाल का है, लेकिन मिली कहाँ, ये आदमी ठाड़ है इनसे पूछो जाए कुछ पूछ। भैया हरा यह बताओ बसंती लाल का घर कौन सा है, या मैं हूँ बसंती लाल बताओ का बात ही। मैं एक बात की खासियत तो है कि जहाँ भी जाइया वो आदमी तुमको पहले मिल जाए, हमें ढूंढे ढाने की जरूरत नहीं पड़ती यार, एक बार बस आदमी गाँव भर घुस जाए सब पता चल जाएगी का कहाँ है को कहाँ है। भैया बतावा तुम्हारा मीटर आए हैं लगे के लाने, मीटर आ लगा हुआ था जिनके जिनके लिस्टन में नाम है तुम्हारा, भैया बसंती लाल नाम है, घर कहाँ है तुम्हारा। भैया जहाँ बैठू वहाँ मोर घर आए, नहीं लगा जान मीटर। भैया लगा दिया तो पुराने नन्ना, देखा मीटर वाले आगे मीटर लगा हुए। पूछ पूछ जरा मोरो नाव है, क्या नाव है काका तोर। पुराने पुराने काका मैं पूरी लिस्ट नहीं देखे हूँ, एक एक का नाम बताइय तो बतावा जाया भला। अरे भैया मोरो नाव है, हार का नाव है जगनलाल, जगनलाल बसंती लाल के बाद जो तो जग्गू लाल है, जगनलाल नहीं है जग्गू लाल। अरे हाँ जग्गू लाल हो गया पैगाम आनी, मोर नाव नहीं है भैया। काका मैं पूरी लिस्ट नहीं देखे हूँ, अब मैं एक एक जब मीटर लगाई हूँ, कैसे 400 घर है गाँव मानी और 400 घर में मीटर लगाऊंगा का समझ लिया, पूरे नाव ना पड़ी हो, जिनके जिनके घर में मीटर लगी है उनका उनका टिक लगावत जाइयो बस। आज भर मानी मोह हिसाब से 50 घर में मीटर लगी है, का करा सा पूरे मीटर लगाऊंगा का है आज भर में। काका यार तुम हवल भी गए हो का, आज भर मानी भरा लाग जाइए, या बजत है एक मीटर लगाओ मानी कम से कम एक घंटा खा जाई चलत लाइन में, करंट ना खा जाया माँ ना लगाई हूँ तो ही लगाऊंगा परी, तो बहुत फास्ट काम करा था। तो भैया उतर के लगावत हो मीटर की नहीं लगाते यू। हाँ बसंती लाल लगावत है, लगावत है काका उतर लेता तो उतर झोला पकड़। काका अब तो मुझे छकुआ या ले था, बहु परेशान करे है, पहले मुही उतारे अब झोला भी पकड़ा हुआ था, अब फिर बात कहता उतरिए है ना, सारा काम जब मुही का करेगा तो मैं तुम्हें कह लगा के लाए हूँ, झोला पकड़ेगा कर पकड़ झोला पकड़ आते तो। हाँ बसंती लाल कहाँ ठा लगाओ का मीटर, या दुआरे मानी की वह दुआरे में, साहब मुझसे कहा पूछा था तुम्हें जहाँ ठा सहूलियत पर वहाँ लगा दिया को, फिर खंभा देखने दो, खंभा यहाँ पे नहीं है कुआ, वह तरफ खंभा है, वो रहा खंभा, हम यहीं पे लगा दे रहे हैं, ज्यादा तार ना लगेगा भला, नहीं तो तार अगर बढ़ा तो समझ लो तुम्हें तार के पैसे लग जाएंगे। बसंती लाल कितना भैया पैसा बढ़ जाये अगर तार ज्यादा लगी तो, 20-22 रुपए मीटर जोड़ लो, इसे तुम्हें तार लगाने का कितनी अनुमति है, मेरे हिसाब से 10 मीटर बस, से किसी का खंभा 15 मीटर दूरी हुआ या 20 मीटर दूरी हुआ घर से तो उसके पैसे बढ़ेंगे, 10 मीटर तार कंपनी दे रही है, लगवाई सुन लो 20 रुपए लगवाई लगेंगे, लगवाई तो फ्री है ना। अरे यार भैया 20 रुपया मानी का बनो बिगड़ो जाते तुम्हार, अब इतना मेहनत करबे चलत लाइन मानी जो है तो हम मीटर लगाइबे, आई आको रुपया ना दई हो तुम्हें लगाओ का लगाओ ना लगाओ का तो मैं जेई का फोन लगावा तू, फिर लगावा तू जेई का फोन ना लगाओ ऐसे यार, खर्चे के लाने तुम्हें 20 रुपया चाहिए तो मैं दे सका तू, कहे के लाने मांगत रहे लगा मीटर चल। ओ पवन काका वहा खंभा का निहारत रही का हुईगा, आज झोला से मीटर निकाल रहा मीटर लगाओ जाए आओ आओ या भाई निहारा, अब हम मीटर लगाओ जाते हैं घरन घरन, अब तुम्हें जो है तो दूसरा भाग जाके कहो ना याका, तो भैया कमेंट में लिखा भला तो दूसरा भाग बन जाई, तो चले भाई जय हिंद जय भारत जय श्री राम, और सुना तुम्हें वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो कर देना लाइक कमेंट शेयर, चैनल में अगर पहली बार हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, तो चले भाई जय हिंद जय भारत जय श्री राम है।